हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेणुका क्रिएशन। आप देख रही हैं माइक्रम से बना हुआ बास्केट। ये मैंने स्पेशली एलेक्सा के लिए बनाया है। जनरली हम अपने घर में एलेक्सा टेबल पे, टीवी के ऊपर कहीं भी रख देते हैं, तो फ्रेंड्स एलेक्सा के सेफ्टी के लिए मैंने ये बास्केट बनाया है। तो इसकी डिज़ाइन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और यूनिक है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। और देखिए आप इसे इस तरह से एलेक्सा को रख सकती हैं, इसे ओपन कर सकती हैं, क्लोज कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसे बनाने का तरीका। एलेक्सा के कवर के लिए हमने यहाँ पे लिया है व्हाइट माइक्रम, दो रिंग लिए हैं 3.5 इंच के, रेड बिट्स और सीजर। तो सबसे पहले हमें कॉर्ड को कट करना है, यानी व्हाइट माइक्रम जो हमने लिया है उसे हमें कट करना है। तो कट करने के लिए हमने यहाँ पे 3 मीटर के 14 पीसेस कट किए हैं और 2 मीटर के 8 पीसेस कट किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें एक कॉर्ड लेना है 3 मीटर वाले, ठीक है फ्रेंड्स। 3 मीटर वाले हमने कॉर्ड लिए और इसे इस तरह से सेंटर करना है। सेंटर करके आप यहाँ पे इस तरह से रख लें। और दूसरा कॉर्ड हमें लेना है 3 मीटर वाले ही। स्टार्टिंग में हमें जितने भी कॉर्ड यूज करने हैं वो 3 मीटर के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे हमें कॉर्ड के ऊपर इस तरह से रखना है और इसके होल से हमें इसे बाहर की ओर निकालना है और इसे आप टाइट कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी मेथड से मैंने यहाँ 4 कॉर्ड को पहले से लगा रखा है, तो आप इसे अब टाइट कर लें कॉर्ड को और सिंपल सा एक यहाँ पे नॉट लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पे एक नॉट लगा लेना है। नॉट लगाने के बाद हमने जो यहाँ पे स्टेप यूज किया है वो पाइपिंग वाले स्टेप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाइपिंग वाले स्टेप के लिए हमें ये हमारा मेन कॉर्ड हो गया, और यहाँ पे जितने भी आपको साइड में कॉर्ड दिख रहे हैं ये सेकेंडरी कॉर्ड है, ये इसमें फोल्ड होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे टाइट करना है और इस तरह से इसके ऊपर हमें फोल्ड करते जाना है, और हर एक कॉर्ड 2 टाइम्स फोल्ड होंगे। ठीक, इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है बिल्कुल टाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फोल्ड करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये पूरा क्लियर आपको पता चल रहा होगा, यहाँ मैंने इस टाइप के सिंपल नॉट लगाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो है मैंने यहाँ से फोल्ड करना शुरू किया था स्टेप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 2 कॉर्ड बाकी हैं, अभी मैं फिर से आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से ये मेन कॉर्ड है, इसमें हमें इस तरह से इसे 2 टाइम्स एक कॉर्ड को फोल्ड करना है और फिर इसे आप टाइट कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। 1 एंड 2, ठीक है। तो सेम हमें इस तरह से इसे भी फोल्ड करना है। अब देखिए हमें इस मेन कॉर्ड में इस सारे को फोल्ड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये जो फोल्ड करेंगे 2 टाइम्स फोल्ड करना है, यानी 2 लाइन फोल्ड करने के बाद हमें 4 कॉर्ड ऐड करना है। इसमें 4 कॉर्ड जो हम ऐड करेंगे, 2 कॉर्ड के बाद फिर हम यहाँ पे एक कॉर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लाइन बना लिए हैं, तो अब मुझे क्या करना है, कॉर्ड ऐड करना है। तो कॉर्ड अटैच करने के लिए हमें जो 3-3 मीटर के हमने कॉर्ड कट किए हैं, यहाँ मैंने 6 कॉर्ड अटैच किए, फिर 4 कॉर्ड अटैच करूंगी, फिर नेक्स्ट 4। तो फर्स्ट 2 लाइन पे, फिर 3 लाइन बनाना है, फिर 4 कॉर्ड ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें पहले 2 लाइन में, फिर 3 लाइन में, फिर चौथे लाइन में 4-4 कॉर्ड ऐड करते जाना है, ठीक है। तो आप देखिए ऐड करने का तरीका, ये हमारा मेन कॉर्ड है जिसमें हमने सारे कॉर्ड को फोल्ड करना है। इसके नीचे से हमें कॉर्ड ले जाना है और इस तरह से इसे बाहर की ओर निकालना है, फिर आप इसे टाइट कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमें कॉर्ड इसमें अटैच करना है। तो फिर एक कॉर्ड हमने यहाँ अटैच किया, फिर 2 को इसमें हमें फोल्ड करना है। पाइपिंग वाले स्टेप हमने यहाँ पे डाले 2, 1 कॉर्ड एंड सेकेंड कॉर्ड, मतलब हमें यहाँ पे एक कॉर्ड ऐड करना है और पुराने वाले 2 कॉर्ड को यहाँ पे ये स्टेप बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमें एक कॉर्ड ऐड करना है, फिर 2
कॉर्ड इसमें फोल्ड करना है। तो इसी तरह से आगे डिजाइन चलती जाएंगी, तो मैं अब आपको 6-7 लाइन बनाकर दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने 7 लाइन बना लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने 7 लाइन आने के बाद हमें 2-2 मीटर वाले कॉर्ड लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 14 कॉर्ड ऐड कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 6 कॉर्ड स्टार्टिंग में, फिर 4 कॉर्ड 2 लाइन के बाद, फिर 3 लाइन के बाद 2 कॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 8 कॉर्ड ऐड कर चुके हैं, और अब जो ये कॉर्ड हमने यहाँ पे 4 कॉर्ड ऐड किया है, ये 2-2 मीटर वाले हैं। तो इसे कब तक बनाना है, तो ये रिंग लेना है हमें, रिंग के बीच में हमें इसे रखना है, और ठीक हमें अब इसके बाद 2 लाइन और बनाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं 2 लाइन और आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 10 लाइन बनाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने 10 लाइन बनाए हैं, ऐसे ही आपको बनाना है। और देखिए अब मैंने रिंग का मेजरमेंट किया है, बिल्कुल ये रिंग के इक्वल आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिंग को अंदर से डालना है, और ये सारे कॉर्ड को हमें इस रिंग में फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए देखिए, पहले मैंने कॉर्ड को रिंग के अंदर इस तरह से निकाला है, और अब सारे कॉर्ड को इसमें हमें फोल्ड करते जाना है। हर कॉर्ड को हमें 2 टाइम्स फोल्ड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा टाइटली करें, इस तरह से सारे कॉर्ड इसमें अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक रिंग में कॉर्ड को अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से रिंग को कॉर्ड से अटैच करना है, ठीक है। अगर कहीं भी कॉर्ड कम पड़ जाए, तो जैसे मैंने एक कॉर्ड को 2 टाइम्स फोल्ड किए हैं, तो इसे आप 3 टाइम्स फोल्ड कर सकती हैं। तो ये रिंग पूरा फिलअप हो जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको पूरा रिंग फुल करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने सारे कॉर्ड को रिंग में अटैच कर दिया है। तो ये अटैच करने का तरीका मैं आपको फिर से बता रही हूँ। कॉर्ड को रिंग के अंदर हमें निकाल देना है, फिर इस तरह से एक कॉर्ड को 2 टाइम्स हमें टाइट करनी है, ठीक है। ये लास्ट वाले कॉर्ड है, इसको हमें इस तरह से, यहाँ देखिए इसके होल में हमें ऐसे इन करना है, फिर 1 टाइम एक बार और। तो अब देखिए ये रिंग पूरा बन चुका है। नेक्स्ट हमें आगे डिजाइन देनी है इसमें। अब देखिए इसमें सारे कॉर्ड हमने अटैच कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट आगे डिजाइन के लिए 4-4 कॉर्ड हमें लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे 4 कॉर्ड लिया, सेंटर के 2 कॉर्ड को बीच में रखना है, और इस साइड के 2 कॉर्ड पहले राइट हैंड कॉर्ड ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड इसके नीचे से इस होल में निकालना है और इसे टाइट करना है, ठीक है। यही प्रोसेस हमें दोबारा करना है, लेफ्ट हैंड इस कॉर्ड के ऊपर और राइट हैंड इस कॉर्ड के नीचे से हमें इस तरह से इसे बाहर की ओर निकाल के टाइट करना है। तो इसी तरह से हमें आगे फिर अगेन राइट ऊपर, फिर लेफ्ट नीचे से निकाल देना है कॉर्ड को। देखिए फ्रेंड्स यहां मैंने ये 2 टाइम्स किए हैं, 1 और 2 टाइम्स करने के बाद ये बीच वाले कॉर्ड में हमें 2 बिट्स लगाने हैं। बिट्स लगा करके हम फिर से अगेन ये 2 स्टेप लगाएंगे, और सेम ऐसा पूरा हमें करना है। अब आगे देखिए यहाँ पे मैंने 2 स्टेप बनाए हैं, ठीक है, और हमें इसके बीच वाले ये 2 कॉर्ड में बिट्स लगाने हैं। तो कॉर्ड्स को हमें इस तरह से इक्वल करना है, 2 बिट्स लेने हैं हमें, और इस तरह से आपको कॉर्ड में बिट्स को इन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स बिट्स यहाँ सेंटर में आ गए, और इसके बाद सेम स्टेप जो हमने ऊपर लगाया था, पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड इसके नीचे से इस होल में हमें निकालना है, और इजली इसे हल्के से टाइट करना है, फिर अगेन लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड इसके ऊपर इस तरह से हमें 3 टाइम 1, 2 और 3 टाइम हमने किया, और इस तरह से हमने सारे को बनाया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद रिंग लगानी है। तो रिंग लगाने के लिए हमें, जैसे इसे मैंने रिंग के अंदर डाला, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से आपको कॉर्ड को रिंग के अंदर रखना है, और पहले सेंटर वाले 2 कॉर्ड को रिंग में डबल
फोल्ड करना है, 1 एंड 2। इसी तरह से इधर वाले कॉर्ड को इस साइड से देखिए फ्रेंड्स, इस साइड वाले कॉर्ड को हमें इस साइड से फोल्ड करना है। और इस साइड वाले को इस साइड इधर से, मींस राइट हैंड साइड को राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ से। तो देखिए इस तरह से हमें रिंग में सारे कॉर्ड को अटैच कर देना है। तो मैं आपको अटैच करके दिखाती हूं। अब देखिए इन सारे कॉर्ड को हमने रिंग में अटैच कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब जो ये सारे कॉर्ड हैं, अब देखिए यहाँ कहीं कहीं रिंग खाली है, तो इसके जगह पे हमें क्या करना है, 1 राउंड ये लास्ट वाले कॉर्ड को जो हमने 2 टाइम्स फोल्ड किए थे, 1 टाइम और हमें फोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, रिंग पूरा फुल हो जाएंगे, रिंग कहीं से दिखेंगे नहीं फ्रेंड्स। तो जो लास्ट वाले कॉर्ड है उसको 3 टाइम कर दें इस तरह से, और 3 टाइम करने के बाद जब ये ज्वाइंट हो जाए तो यहाँ पे एक इस तरह से सिंपल नॉट लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे बिल्कुल टाइट कर दें, इस तरह से नॉट लगाना है हमें। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नॉट्स लगा के रखे हैं, इस तरह से आपको नॉट लगाना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल नॉट है ये। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कॉर्ड को बिल्कुल कट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो अब मैं सारे को यहाँ पे नॉट लगा के आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे सारे कॉर्ड जो है हमने कट कर दिए हैं नॉट लगाकर, तो आपको इस तरह से नॉट लगाकर कट कर देना है सारे कॉर्ड को, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद आप प्लाइटर से थोड़ी थोड़ी से इस तरह से कर दें, तो ये क्या है कि इसके कॉर्ड जो है खुलेंगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सिंगल सिंगल हमें करके रेडी कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा चिपका कर दिखाती हूँ। अब देखिए ये सारे को हमने कैंडल से अच्छे से जला दिया है और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे इस तरह से रख सकती हैं। यहाँ पे मैं इसका कैप बनाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैप बनाने के लिए सबसे बेस में जो हमने ये डिजाइन डाला था 6 कॉर्ड लेकर के, सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे 6 कॉर्ड लेके ये डिजाइन बनाए हैं। 1, 2, 3 लाइन हमने बनाया है, फिर बिट्स लगाया है। देखिए फ्रेंड्स 3 लाइन बनाने के बाद हमें बिट्स लगाना है इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। और एक मेन कॉर्ड लेना है हमें, तो हमने जिस कॉर्ड्स में ये सारे कॉर्ड को फोल्ड किए हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये लास्ट आया है, तो यहीं से हमने ये फोल्ड करना स्टार्ट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमें देखिए इस तरह से इसे टाइट करते जाना है, मींस हमने यहाँ पे पाइपिंग वाले नॉट ही यूज किए हैं, कॉर्ड शेप इसमें थोड़ा उल्टा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ एक ही कॉर्ड सब में हम फोल्ड कर रहे हैं। अब देखिए सारे कॉर्ड यहाँ बिट्स बन चुके हैं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ये जो मेन कॉर्ड है इसमें अगेन हमें यहाँ पे 3 लाइन और बनाने हैं, फिर हमारे कवर कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए इसके मेजर बास्केट की मेजरमेंट के हिसाब से ये कैप इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है मैंने बिट्स लगाने के बाद 4 टाइम हमने इसे फोल्ड किया है कॉर्ड को, तो 4 टाइम फोल्ड करेंगे तो ये 8 टाइम फोल्ड हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने यहाँ पे नॉट लगा के एक नॉट लगाया और कॉर्ड को कट किया, ठीक उसी तरह से हमें इसमें भी करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक नॉट लगाया इस तरह से और एक्स्ट्रा कॉर्ड को कट कर देना है, और इस तरह से इसे लाइटर से थोड़ा सा इस तरह से कर दें ताकि जो कॉर्ड है वो खुलेंगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको पूरा रेडी करके दिखाती हूँ। अब देखिए मैं ये 4 कॉर्ड यहाँ रखी हूँ
और सारे कॉर्ड को कट करके मैंने लेटर से इसे बांध दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से इसे कर लें। और अभी एक फोर कॉर्ड के जरिए हमें इसमें थोड़ा सा रिंग में कॉर्ड को इस तरह से करके यहाँ स्पेस बना लें रिंग में, और यहाँ पे हमें इस कॉर्ड को अटैच करना है। तो इस तरह से आप कॉर्ड को टू टाइम्स यहाँ इस तरह से फोल्ड करके हमें नॉट लगा के इस तरह से अटैच करना है फोर कॉर्ड को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ आप स्पेस बना के कॉर्ड को यहाँ अटैच कर लें। यहाँ पे मैंने कॉर्ड को अटैच कर दिया है, यहाँ मैंने फोर कॉर्ड अटैच किए हैं, आप चाहें तो इसे दो भी कर सकती हैं। तो अटैच करके बाकी के जो कॉर्ड हैं कट करके यहाँ पे आप इसे जरूर चिपका दें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप ओपन कर सकती हैं, क्लोज कर सकती हैं। ये हमने यहाँ अलेक्सा रखा, इसे आप टेबल पे रखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसमें आराम से इसे कनेक्ट कीजिए, अलेक्सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे यूज कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।